तो मैं आ चुका था अब इन लोगों के पास, और जाके अब इनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बंदे बैठे हुए हैं, तो पहले इन्हीं से पूछते हैं। भाई आपका नाम क्या है? सूरज। तो भाई आप ये जिम क्यों कर रहे हो यहाँ पर ऐसे? डेली आते हो आप? ना। तो आज ही क्यों आए हो यहाँ पर जिम? आज करने का कुछ मेन मोटिव तो होगा आने का? मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई तो उसको पकड़ने के लिए क्या सोचा? ये जिम आपकी गर्लफ्रेंड भागे तो उसको पकड़ना है? चलो भाई दूसरे बंदे से पूछते हैं। तो भाई इन्हीं भाई से पूछते हैं, थोड़ा सा फरी भाई लग रहे हैं। तो भाई आप यहाँ पर ऐसे जिम क्यों कर रहे हो? कल मेरी डेट है। हाँ। आधा किलो वेट कम करने आया साले। भाई आधा किलो वेट कम करने से क्या होगा यहाँ पर है? आधा किलो वेट कम करने से क्या होगा? बंदी आ जाएगी। तो इससे ज्यादा वेट कम कर लोगे तो भगवान आपसे बुरा नहीं मान जाएंगे? नहीं। चलो ठीक है भाई, तो इन भाई से पूछते हैं। भाई आप यहाँ पर जिम, आपका नाम क्या है? नितिन। तो भाई आप यहाँ पर जिम कितने देर से कर रहे हो? भाई मेरे को 1 घंटा हो गया। तो मतलब आपका मोटिव क्या है? आप डेली आते हो यहाँ पर जिम? कभी कभी आता हूँ। तो मतलब आप मोटिव क्या है आपका जिम करने का? मोटिव ये है परसों मेरी शादी है। हाँ भाई परफॉर्मेंस अच्छी रहे इसलिए मैं जिम कर रहा हूँ। तो भाई ये परफॉर्मेंस के लिए जिम कर रहे हैं। आओ इनसे पूछते हैं, एक आखिरी बंदे वही बच्चे क्योंकि इतने छोटे थे पार्क में, अब एक यही बंदे बच्चे हैं जिन जो जिम करने के लिए। भाई आप क्यों जिम कर रहे हो? पुलिस में जाने के लिए। आपको पुलिस में जाना है? तो आप पुलिस में जाने के लिए जिम कर रहे हो, तो पुलिस में क्यों जाना है आपको? पुलिस में इन जगह भाइयों की बंदियां भाग जाती हैं। हाँ भाई उन्हें पकड़ के लाने के लिए। भागी हुई बंदियों को पकड़ के लाना है आपको? अच्छा तो आपको क्या लगता है कि इस हालत में आपको पुलिस स्वीकार करेगी? क्यों इस हालत में क्या खराबी है?